अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नींबू से एक ऐसा वजीफा जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मोहब्बत बिना किसी शर्त के आपकी बाहों में होगी। जी हाँ, ये वजीफा इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आपके लिए आपकी सारी जो इच्छा है उसे पूरा कर देता है। अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करती है, आपसे नाराज हो गई है, या फिर आप किसी से एकतरफा मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन सामने वाले जो हैं वो आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं, आपके बारे में उनको पता ही नहीं है कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से अपना सकते हैं और आपकी मोहब्बत भी आपको पूरी तरह से अपना लेगी। एक शर्त है इसमें कि आपकी मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, आप किसी भी नाजायज मकसद के लिए इसे बिल्कुल ना करें। अगर आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएं, आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आ जाएं, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। पहली बात तो अगर आप इसे अपने शौहर के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी प्रेमिका के लिए कर रहे हैं तो कोई भी इसको कर सकता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आप इस वजीफे को करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत का तसव्वुर करना है, आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है, आपके जहन में सिर्फ आपकी मोहब्बत का चेहरा होना चाहिए। आप इसे रात के समय बैठ के कर सकते हैं, रात में आप जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, उसके बाद आप इसे कर सकते हैं। तो रात के समय आपको बैठना है, सबसे पहले तो वुजू कर लें, साफ कपड़े पहन लें और उसके बाद आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू को लें और उसके बाद उसे बीच में से काट दें। बीच में से आपको जब काटेंगे तो पूरा नहीं काटना है, इस तरह से काटना है कि वो आधा लगा रहे, उसमें आधा जुड़ा रहे और आधा अलग हो जाए। अब आपको उसमें बीच में खोलना है उसको और उसमें हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपको अपने घर में जो सिलाई का धागा होता है काले रंग का लेना है और उस सिलाई के धागे से आपको उसके बाद उसके ऊपर करीब 21 बार लपेटना है। तो जब आप उसे 21 बार लपेटेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस समय भी आपको अपनी मोहब्बत का नाम अपने मुंह से बोलते जाना है। जैसे कि अगर उनका नाम तस्नीम है, मान लीजिए तस्नीम नाम मुझे बोलना है, तो मैं जितनी बार उसके ऊपर लपेटूंगी नींबू के ऊपर धागे को, उतनी बार मैं उसे बोलते जाऊंगी। तो एक बार लपेटा तस्नीम, दूसरी बार तस्नीम, तीसरी बार तस्नीम, चौथी बार तस्नीम, ऐसे मुझे करते करते इसे 21 बार इसके ऊपर लपेट देना है। जब मैंने 21 बार धागे को लपेट दिया नींबू के ऊपर, उसके बाद धागे को हमें काट लेना है और उसके बाद रील को अलग रख देना है और नींबू पर जो धागा लपेट रखा है आपने, इस नींबू को आपको लेकर जाना है और आपके घर के आसपास में कहीं पर भी आपको सुनसान जगह दिखाई दे, जहाँ पे आपको गीली मिट्टी दिखाई दे या सूखी मिट्टी भी चलेगा, लेकिन आपको मिट्टी को खोदना है। इसलिए खोदना होता है ताकि अगर वहां पे कोई जानवर है, पालतू जानवर है या सड़क के जो जानवर होते हैं वो उसको छेड़े ना, इसलिए आपको मिट्टी को खोद कर उसके अंदर वो नींबू दफन कर देना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। वहां से आपको घर चले आना है, घर आने के बाद आपको वुजू करना है, साफ कपड़े पहन लेने हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप पूरे यकीन के साथ इसे कर देते हैं तो आपकी मोहब्बत आपके वुजू करने से पहले ही आपके पास उनका कॉल आ जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि हम करें तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं और हम भी आपके लिए ये वजीफा कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और लाइक बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।